अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप यू आर डूइंग गुड एंड एंजॉइंग द बेस्ट ऑफ़ योर हेल्थ। माई सेल्फ मिस अवीरिया गौहर, योर साइंस टीचर। ओके स्टूडेंट, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, वी आर मूविंग टूवर्ड्स आवर टूडेज लेक्चर। ओके, नाउ ओपन योर बुक्स, ओपन पेज नंबर 7। ओके, फर्स्टली वी विल डिस्कस द प्रीवियस क्वेश्चन विच आई हैव गिवन टू यू टू सॉल्व। ओके, मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दिए थे रिलेटेड टू प्रीवियस टॉपिक विच इज़ ऑन पेज नंबर 7, दैट इज टेस्ट योर सेल्फ। और मैंने आपसे कहा था कि इसके आंसर्स निकाल के रखिएगा, मैं आपसे आंसर्स टैली करूँगी। सो फर्स्टली आई विल टैली द आंसर्स विद यू, मैच करें आंसर्स, देन वी विल गो फॉर टूडेज टॉपिक, फिर हम अपने आज के टॉपिक पर चलेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 इज गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ थिंग्स विच हैव केमिकल एनर्जी स्टोर इन दैम। एग्जांपल दें 3 चीज़ों की जिसमें केमिकल एनर्जी हो। तो क्वेश्चन नंबर 1, फ्यूल, फूड एंड बैटरी। ओके, गॉट इट, 3 एग्जांपल्स केमिकल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 2 इज गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ थिंग्स विच हैव इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन दैम। द आंसर इज इलास्टिक, स्ट्रेच्ड इलास्टिक बैंड, स्ट्रेच्ड कॉइल स्प्रिंग and stretch bow. These have elastic potential energy. Question number 3, explain the difference between elastic potential energy and gravitational potential energy. Elastic potential energy is stored, the answer is that elastic potential energy or it is stored in an object when deformed by being pulled or pushed. Pull or push करने से जब ऑब्जेक्ट डिफॉर्म होती है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी आ जाती है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। और इससे एग्जाम्पल आपका इलास्टिक रबड़ बैंड है, ठीक है, आप उसे पुल करते हो तो उसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, आपका स्प्रिंग कॉयल, आपकी बो है, ठीक है। वाइल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज एनर्जी विच इज स्टोर इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजिशन अबव द ग्राउंड, ठीक है, जबकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्यों होती है? ड्यू टू पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबव द ग्राउंड। ओके, वाइल पोटेंशियल, आपकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्यों होती है? व्हेन ऑब्जेक्ट्स डिफॉर्म, जब ऑब्जेक्ट्स को पुश और पुल करके डिफॉर्म किया जाए तो उसके अंदर कौन सी आ जाती है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज एक्सप्लेन द डिफरेंस विद, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। ओके, द मेन डिफरेंस इज इन न्यूक्लियर फिजन एन एटम इज स्प्लिट इन टू टू आर मोर स्मॉलर एटम्स, ठीक है, न्यूक्लियर फिजन में एक एटम स्प्लिट होता है दो या दो से ज़्यादा एटम्स में, वायर इन न्यूक्लियर फ्यूजन टू आर मोर स्मॉलर एटम फ्यूज टूगेदर, उसमें फ्यूजन में आपस में ज्वाइन हो जाते हैं जबकि न्यूक्लियर फिजन में स्प्लिट हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाता है एक एटम। ओके, नाउ टर्न द पेज एंड हेयर काइनेटिक एनर्जी, ये भी आपको मैंने दिया था पेज नंबर 8 पे, टेस्ट योर सेल्फ, वट इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी स्टोर इन द बॉडी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट में उसकी मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। ओके, वट टू थिंग्स डज काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन? काइनेटिक एनर्जी डिपेंड किस पे करती है? स्पीड एंड मास पर, ठीक है, स्पीड को आप वेलोसिटी भी कह सकते हो, ठीक है, वेलोसिटी एंड मास पर डिपेंड करती है। नंबर 3, एक्सप्लेन वाई आर फ्लाइंग एरोप्लेन हैज़ मोर काइनेटिक एनर्जी देन अ फ्लाइंग इंसेक्ट्स, बिकॉज एरोप्लेन, देखिए मैंने आपको क्या कहा था, काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करती है? मास एंड स्पीड पर, ठीक है, किस पर डिपेंड करती है? मास एंड स्पीड पर। हेयर वी हैव क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट टू थिंग्स काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन? काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करती है? मास एंड, हेयर क्वेश्चन नंबर 2, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन, इट्स डिपेंड ऑन मास एंड स्पीड। सो ये देखें, एक्सप्लेन व्हाई एरोप्लेन हैज़ मोर काइनेटिक एनर्जी, क्यों होगी एरोप्लेन और फ्लाइंग इंसेक्ट में फ़र्क क्या है? बिकॉज फ्लाइंग एरोप्लेन हैज़ मोर मास एंड मोर स्पीड, सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन इज मोर देन अ फ्लाइंग इंसेक्ट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 इज एक्सप्लेन व्हाई आर ट्रक ट्रैवलिंग एट द सेम स्पीड एज अ कार हैज़ मोर काइनेटिक एनर्जी। अगेन वही आप देख लें, ट्रक का जो मास है वो कार के मास से ज़्यादा होता है, ठीक है, इवन दो द स्पीड इज सेम, स्पीड क्या है? सेम है कार की भी और ट्रक की भी, बट ट्रक हैज़ मोर काइनेटिक एनर्जी, ट्रक हैज़ मोर काइनेटिक एनर्जी, वाई? बिकॉज ट्रक हैज़ मोर मास एज कम्पेयर टू कार। ओके, गॉट इट,
समझ में आ गया? ठीक है स्टूडेंट, नाउ कम टुडे ऑन टुडेज टॉपिक. नाउ आई एम गोना रीड एंड मेकिंग यू अंडरस्टैंड अबाउट द रेडिएटेड एनर्जी. आज हम पढ़ेंगे रेडिएटेड एनर्जी, साउंड एनर्जी, थर्मल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ओके गॉट इट. नाउ आई एम गोना रीड द यूनिट, रीड द हेडिंग्स. मैं हेडिंग रीड कर रही हूँ तो आप केयरफुली इसे अंडरस्टैंड करें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द रीडिंग अगेन मैं आपको कल की तरह क्वेश्चन दूँगी. ठीक है, लास्ट लेक्चर्स की तरह आपको क्वेश्चन दूँगी, आपको वो सॉल्व करने होंगे खुद से. ठीक है, सो सॉल्व करने के लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होना ज़रूरी है. ठीक, तो नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. फोकस ऑन योर स्क्रीन और बुक्स, अपनी बुक्स या स्क्रीन पर फोकस करें. आई एम गोना रीड, मैं रीडिंग करने जा रही हूँ. रेडिएटेड एनर्जी. रेडिएटेड एनर्जी इज एनर्जी कैरिड एज मूविंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. किस तरह ये कैरी की जाती है? मूविंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में. दीज वेव्स कैन कैरी एनर्जी थ्रू स्पेस. ये वेव्स एनर्जी को कैरी करते हैं स्पेस के अंदर से भी, मतलब ये आप तक पहुँच सकती है. लाइक आपके सन क्या करता है? वेव्स के फॉर्म में लाइट रेडिएट करता है. ठीक है, आप तक लाइट पहुंचती है सन की. द सन रेडिएट लाइट. सन रेडिएट करता है लाइट. ट्रांसमीटर रेडिएट्स रेडियो वेव्स. आपका जो ट्रांसमीटर्स होते हैं रेडिएट करते हैं रेडियो वेव्स टू एंटीना. एंटीना तक ऑल्सो कॉल्ड एरियल्स फॉर टेली कम्युनिकेशन, जिसे एरियल्स भी कहा जाता है टेली कम्युनिकेशन में. ठीक है, टेली कम्युनिकेशन मीन्स आपकी जो टेली कम्युनिकेशन इंडस्ट्री, आप एक दूसरे से बात कर सकते हो. किस तरह? देखिए, आपके ट्रांसमीटर्स लगे होते हैं, आपको मैसेज पास करना है. लाइक आपके रेडियो ट्रांसमीटर्स होते हैं जिससे रेडियो वेव्स निकलती हैं. आपके वॉकी टॉकीज होते हैं जो आपकी आर्मी यूज़ करती है, तो वो किस तरह मैसेज पास करते हैं? थ्रू रेडियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू. यानी कि आपके रेडियो से क्या निकलती हैं? रेडियो वेव्स निकलती हैं, वो आपका मैसेज पास करती हैं. ठीक है, ठीके? उसमें ट्रांसमीटर्स लगे होते हैं. ठीक है, लाइट एंड रेडियो वेव्स बोथ ट्रेवल एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज कैरी एनर्जी. लाइट और रेडियो वेव्स दोनों किस तरह ट्रेवल करती हैं? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच कैरी एनर्जी, जो एनर्जी कैरी करता है. हेयर इज द डायग्राम. सन रेडिएट लाइट एनर्जी. सन रेडिएट कर रहा है लाइट एनर्जी. और रेडियो टेलीस्कोप पिकअप रेडियो सिग्नल्स फ्रॉम आउटर स्पेस. आउटर स्पेस से रेडियो टेलीस्कोप क्या कर रहा है? आपके सिग्नल्स पिक कर रहा है. लाइक आपके जो सैटेलाइट्स होते हैं, ठीक है, आपको वो कैसे पहुंचते हैं उसके सिग्नल्स आप तक? इसी तरह. ठीक है, किस तरह? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में पहुंचते हैं. ठीक है, रेडिएटेड एनर्जी. नाउ कम टू द सेकेंड हेडिंग, साउंड एनर्जी. साउंड एनर्जी क्या है? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. साउंड भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एसोसिएटेड विद वाइब्रेशन. वाइब्रेशन से जो एसोसिएटेड है. साउंड कब प्रोड्यूस होती है? जब आपकी कोई भी सोर्स वाइब्रेट करती है. ठीक है, साउंड आर मेड वेन एवर अ फोर्स मेक एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट. साउंड कब प्रोड्यूस होती है, कब बनती है, कब मेड होती है? वेन एवर, जब कभी अ फोर्स मेक एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट. एक ऑब्जेक्ट को ताकत के जरिए, फोर्स के जरिए वाइब्रेट किया जाता है. यानी कि आप किसी चीज़ पर अगर हाथ मारते हो साउंड प्रोड्यूस होती है. मीन्स उसके पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस करते हैं. एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इन लॉन्गिट्यूडनल कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन वेव्स. लॉन्गिट्यूडनल रेयर कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन वेव्स प्रोड्यूस होती हैं. ठीक है, आपको मैं ड्रॉ करके बताती हूँ कि वो कैसी होती हैं. लाइक आपने देखी है लॉन्गिट्यूडनल इस फॉर्म में. ठीक है, कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहलाती है. ठीक है, एनी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज अ सोर्स ऑफ साउंड वेव. कोई भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट क्या है? वो सोर्स हो सकती है साउंड वेव्स की. ठीक है, थर्मल एनर्जी. थर्मल और हीट एनर्जी. थर्म मीन हीट होता है. ठीक है, थर्मल और हीट एनर्जी, वो एनर्जी जो हीट से प्रोड्यूस होती है इज़ ड्यू टू फास्ट मूविंग पार्टिकल्स इन हॉट ऑब्जेक्ट. हॉट ऑब्जेक्ट्स में, गर्म चीज़ों में पार्टिकल्स की फास्ट मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो कौन सी होती है? थर्मल एनर्जी और हीट एनर्जी. व्हेन अ हॉट ऑब्जेक्ट कूल डाउन, जब एक गर्म ऑब्जेक्ट ठंडा होता है, इट्स एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स स्लो डाउन. उसके एटम और मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं? स्लो हो जाते हैं एंड लूज एनर्जी टू द सराउंडिंग, और सराउंडिंग में उसकी एनर्जी लूज कर देते हैं. लाइक आपका जो कप ऑफ टी है, जब आप चाय बनाते हो वो गर्म होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या हो जाती है? वो अगर पड़ी रहने तो आप उसे हाफ आवर के लिए या 15 मिनट्स के लिए
आप देखेंगे ग्रेजुअली आपकी चाय ठंडी होने लग जाती है, तो उसकी हीट कहाँ जाती है, आपके एनवायरनमेंट में चली जाती है। और जब चाय बिल्कुल ठंडी हो जाती है तो आप अगर उसका टेम्परेचर मेयर करोगे तो वो बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ जाती है। जो आपका रूम टेम्परेचर है वही आपका चाय का टेम्परेचर होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो रूम टेम्परेचर से भी ज़्यादा ठंडी हो जाएगी, क्यों, आप उसे फ्रिज में रखोगे तब वो ठंडी होगी। वैसे तो वो नॉर्मल, उसने अपना टेम्परेचर सराउंडिंग के अकॉर्डिंग नॉर्मल कर लिया, ठीक है। और कहाँ लूज़ होकर गया वो टेम्परेचर, आपकी सराउंडिंग में। अगर हियर इज़ अ डायग्राम, साउंड एनर्जी इज कैरिड फ्रॉम हेडफोन्स इन टू योर ईयर्स वैन यू लिसन टू योर फेवरेट म्यूजिक। है साउंड एनर्जी कहाँ जाती है, हेडफोन्स के जरिए आपके कानों में जाती है जब आप सुनते हैं अपना फेवरेट म्यूजिक, ठीक है। ओके नाउ कम टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये देखें, इफ कोल्ड मिल्क इज एडेड टू द हॉट टी, अगर ठंडा दूध चाय में शामिल किया जाए, द टी लॉसेस थर्मल एनर्जी, टी क्या करती है उसकी थर्मल एनर्जी कम हो जाती है एंड गेट कोल्डर कूलर, और वो ठंडी हो जाती है। द मिल्क गेन थर्मल एनर्जी एंड गेट वार्मर, जबकि मिल्क क्या हो जाता है वो थर्मल एनर्जी गेन करके वो गर्म हो जाता है। ठंडा दूध डालोगे तो वो गर्म हो जाएगा और दोनों वो चाय को क्या करेगा, चाय की हीट एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। ओके इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, इलेक्ट्रिकल सर्किट में अ करंट इज द फ्लो ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। करंट क्या है, फ्लो ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फ्लो ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। मूविंग इलेक्ट्रॉन कैन ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम अ बैटरी और द मेन्स टू एनी इलेक्ट्रिकल डिवाइस, यानी कि बैटरी या मेन्स यहाँ से पावर सप्लाई हो रही है, चार्ज सप्लाई हो रहा है, करंट सप्लाई हो रहा है, उसको क्या करता है मूविंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एनर्जी। मूविंग इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं वो करते हैं ट्रांसफर एनर्जी, ट्रांसफर करते हैं। बैटरी अगर कनेक्टेड है तो बैटरी से, या फिर आपकी जो मेन इलेक्ट्रिसिटी की है मेन्स है या फिर कोई जनरेटर वगैरह है वहाँ से आपकी एनर्जी ट्रांसफर होकर मूव कर रही होती है टू एनी इलेक्ट्रिकल डिवाइस, यानी कि जो भी उससे डिवाइसेस कनेक्टेड हैं वहाँ तक जा रही होती है, सच एस लाइट बल्ब, जैसे कि लाइट बल्ब। देखिए आपने जनरेटर ऑन किया तो आपकी क्या हुआ, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, उसमें करंट जनरेट हुई, उस इलेक्ट्रॉन्स में क्या हुआ, एनर्जी ट्रांसफर होती हुई जनरेटर से वो कहाँ पहुँच गई, आपके फैंस, आपकी कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस उसके साथ लगी हुई है, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी पहुँच जाती है, यानी कि एनर्जी ट्रांसफर हो रही है उसमें, ठीक है। हेयर गुड कंडक्टर लाइक दिस कॉपर वायर्स कैन ईजिली ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। गुड कंडक्टर वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को आराम से ट्रांसफर, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को आराम से ट्रांसफर होने देते हैं, ठीक है। लाइक कॉपर, कॉपर इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ओके। कैन ईजिली ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आसानी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफर होने देते हैं। द प्लास्टिक शीट अराउंड द वायर कैन नॉट, इट इज़ एन इंसुलेटर, ओके। प्लास्टिक शीट इसीलिए ऊपर चढ़ी होती है, आपने देखी है वायर, वायर के ऊपर प्लास्टिक होता है, अंदर वायर्स होती हैं, वो इसीलिए होता है कि आपको बाहर ना तो वो वायर्स गर्म होती हैं, इन केस अगर शॉर्ट सर्किट है या कुछ है प्रॉब्लम है तब वो आपकी वायर गर्म होगी, अदरवाइज आपकी वायर गर्म नहीं होगी, ठीक है। तो वो क्या है, वो प्लास्टिक शीट जो है वो इंसुलेटर है, यानी कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देती, इसीलिए वायर जो प्लास्टिक कवर होता है वहाँ से वायर पकड़ोगे तो आपको करंट नहीं लगता, जबकि आपकी जो कॉपर वायर होती है वो एक गुड कंडक्टर है, तो आप उसे टच करोगे तो करंट लगती है, ठीक है। हेयर डिड यू नो वायरलेस इंटरनेट राउटर्स वाईफाई एंड मोबाइल फोन यूज रेडियो वेव्स इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, दिस न्यू टेक्नोलॉजी इनेबल रैपिड ट्रांसफर ऑफ डेटा। ओके, आप जो वाईफाई घर पर यूज़ करते हो, आपका मोबाइल कनेक्ट करता है, और ये आपके जो मोबाइल फोन्स हैं जो आपको कॉल आती है आप कैसे, तो वो किन बेस किस पे चल रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिससे क्या है ये न्यू टेक्नोलॉजी है और जिससे डेटा ट्रांसफर ईजी हो गया, ठीक है। नाउ टेस्ट योर सेल्फ, वट इज़ रेडिएटेड एनर्जी, रेडिएटेड एनर्जी क्या है, डेफिनेशन बतानी है। गिव टू एग्जाम्पल ऑफ रेडिएटेड एनर्जी, रेडिएटेड एनर्जी की टू एग्जाम्पल्स बतानी है। हाउ इज साउंड एनर्जी प्रोड्यूस, साउंड एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है। नंबर थ्री, एक्सप्लेन वाई हॉट ऑब्जेक्ट्स लॉस हीट एनर्जी वेन दे कूल डाउन। आपके जो हॉट ऑब्जेक्ट्स हैं वो हीट लॉस क्यों करते हैं जब उस वो ठंडे होते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन हाउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम अ बैटरी टू अ लाइट बल्ब, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है बैटरी से लाइट बल्ब तक, ठीक है। ये आपको क्वेश्चंस के आंसर्स खुद ही सोचने हैं और आंसर्स लिख कर रखने हैं। अगेन मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से पहले ये प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस करूँगी, उसके आंसर बताऊँगी, देन आगे चलूँगी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ टर्न द पेज, ओपन पेज नंबर 10। नेक्स्ट हेडिंग इज कन्वर्टिंग एनर्जी, एनर्जी को कन्वर्ट करना। ओके स्टूडेंट्स, एनर्जी का नेदर भी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, आप एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बट उसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हो, ठीक है। ओके नाउ लेट्स रीड,
व्हेन वर्क इज डन, जब कोई काम होता है एनर्जी इज यूज, एनर्जी इस्तेमाल होती है. हाउ एवर दिस एनर्जी डज नॉट जस्ट डिसअपियर, जबकि ताहम ये एनर्जी बिल्कुल ख़त्म नहीं होती. इट चेंजेस, ये चेंज होती है और कन्वर्ट्स या फिर तब्दील हो जाती है फ्रॉम वन टाइप टू अनदर, एक टाइप से दूसरी टाइप में. दिस इज समटाइम कॉल्ड एन एनर्जी चेन, इसे समटाइम एनर्जी चेन कहा जाता है. ओके, क्या कहा जाता है? एनर्जी चेन. एनर्जी चेन किसे कहा जाता है? यानी कि कन्वर्ट होती है या फिर चेंजेस होती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, ख़त्म नहीं होती. ठीक है, द डायग्राम बिलो शो द एनर्जी कन्वर्जन. ये नीचे जो डायग्राम दी गई है इसमें एनर्जी कन्वर्जन दिखाई गई है. व्हेन अ क्रिकेट बॉल इज थ्रो अपवर्ड, जब क्रिकेट बॉल ऊपर उछाला जाता है एंड देन फॉल डाउन ऑन टू द वॉल, और जब वो दीवार पर गिरता है होता क्या है? देखें, आपकी जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें कौन सी एनर्जी पाई जाती है, आपने पहले भी पढ़ा है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, लाजमी स्टोर होती है केमिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी. देखिए आपकी बॉडी में कौन सी एनर्जी है? केमिकल एनर्जी है. क्यों? क्योंकि फूड के ब्रेकडाउन से हो रही है, पैदा हो रही है आपके अंदर. अगर आपके अंदर एनर्जी नहीं होगी तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते. ठीक है, यहाँ पर एनर्जी स्टोर इन द मसल्स, आपकी इन मसल्स में कौन सी एनर्जी स्टोर है? केमिकल एनर्जी. आपके हाथ में बॉल है, आपने बॉल मूव अपवर्ड, आपने बॉल को ऊपर की तरफ उछाला, आपकी जो बॉडी के अंदर केमिकल एनर्जी थी उसने किस में कन्वर्ट होगी? काइनेटिक एनर्जी में. ऊपर गई बॉल, बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पे बॉल एक पोजीशन पे चलेगी. ठीक है, उसमें वहाँ जाके कौन सी एनर्जी में चेंज होगी? पोटेंशियल एनर्जी. देखिए ऊपर जोर लगा कर फेंका तो आपकी केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में. जब बॉल ऊपर गया एक पीक पर जाकर, एक टाइम आता है जब एक टॉप पीक पर पहुंच जाता है, उसके बाद वो मजीद ऊपर नहीं जाता, तो उसके बाद वो नीचे आना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, तो वो टॉप पीक पॉइंट उसकी पोजीशन है, पोजीशन के टाइम पर जो एनर्जी होती है बॉडी में वो पोटेंशियल एनर्जी होती है. और बॉल अगेन नीचे गिरना स्टार्ट हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? काइनेटिक एनर्जी में. और जब बॉल ने बॉल के साथ हिट किया तो थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस हुई. थर्मल एनर्जी, ठीक है, कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस हुई? थर्मल एनर्जी. इट इज़ द चार्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी. देखिए एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है कंटिन्यूसली. ठीक है, और जब बॉल एक पोजीशन में आ जाएगा, बिल्कुल रुक जाएगा गिरने के बाद, थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होने के बाद, बॉल उसमें दोबारा कौन सी एनर्जी आ जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी. ठीक है, यानी कि एनर्जी कन्वर्ट हो रही है आपकी, ख़त्म नहीं हो रही. When the cricket ball hit the wall, जब cricket ball दीवार से टकराएगा, the particles in the ball and the wall move faster, जो particles हैं ball में और wall में वो क्या करेंगे? तेज़ी से मूव करेंगे. इन दिस वे, इस तरह काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? थर्मल एनर्जी में. ऑल एनर्जी चेन इवेंचुअली एंड अप विद एनर्जी बीइंग वेस्टेड एज हीट व्हिच इज़ रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर. ऑल एनर्जी चेन इवेंचुअली एंड अप, यानी कि आपकी एनर्जी किस में, आखिरकार किस में एंड अप होगी? एनर्जी बीइंग वेस्टेड एज हीट, कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाएगी एज हीट की फॉर्म में, विच इज़ रिलीज इन टू द एटमोसफेयर, जो एटमोसफेयर में रिलीज हो जाएगी. हाउ एवर, ताहम द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इंक्लूडिंग हीट ऑलवेज स्टेड द सेम, यानी कि टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होगी हीट को मिलाकर हमेशा सेम रहेगी. अमाउंट ऑफ एनर्जी कम नहीं होगी, सेम रहेगी. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है? एनर्जी कैन नॉट बी मेड और डिस्ट्रॉय. एनर्जी ना तो बनाई जा सकती है ना उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है. ठीक है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था एनर्जी कन्वर्टिंग एनर्जी से, स्टार्टिंग से पहले तो मैंने आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताया था. ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड द टॉपिक, आपको समझ में आ रहा होगा एनर्जी कैसे कन्वर्ट होती है. ओके, एनर्जी कन्वर्टर्स होते हैं. तो मैंने तो आपको इस बुक में आपको बिल्कुल सिंपल सी डायग्राम बताई गई है. ठीक है, नाउ एनर्जी कन्वर्टर की बात की जा रही है. एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म, एनर्जी चेंज की जा सकती है, ट्रांसफॉर्म की जा सकती है, उसकी फॉर्म तब्दील की जा सकती है. यूजुअली इट इज़ कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, अक्सर इसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है बाय द एनर्जी कन्वर्टर के जरिए. सम एग्जाम्पल्स टुगेदर विद देयर एनर्जी चेंज आर शोन इन द फोटोग्राफ्स, कुछ एग्जाम्पल दी गई हैं एनर्जी चेन के जरिए, एनर्जी चेन के साथ शोन इन द फोटोग्राफ, जो फोटोग्राफ में हेयर ड्रायर. देखें सबसे पहले एग्जांपल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू थर्मल एनर्जी. हेयर ड्रायर से क्या होता है, आप हेयर ड्रायर चलाते हो तो उसमें से हीट निकलती है, ऐसे ही है हेयर ड्राई करने के लिए. ठीक, तो वो चल किस रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से. इलेक्ट्रिकल एनर्जी हेयर ड्रायर को रन कर रही है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चेंज हो रही है? थर्मल एनर्जी में, यानी कि हीट एनर्जी. ठीक है, एनर्जी इन किस फॉर्म में हो रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है इस डिवाइस में, और आउट किस फॉर्म में हो रही है? थर्मल एनर्जी में. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, कार इंजन. कार इंजन में आप क्या इंसर्ट करते हो? फ्यूल इंसर्ट करते हो, तो क्या फ्यूल बाकी रहता है? नो, फ्यूल
क्या है, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में इज बर्न, जलता है, थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होती है टू मेक पिस्टन मूव, जो इसकी वजह से, फ्यूल की वजह से क्या होता है, पिस्टन मूव करता है, पिस्टन की मूवमेंट, मूवमेंट वाली एनर्जी क्या कहलाती है, काइनेटिक एनर्जी, विच ड्राइव्स द कार, जिसकी हेल्प से क्या होती है, कार ड्राइव होती है। देखिए फ्यूल है, केमिकल एनर्जी है, बर्न हो रही है थर्मल एनर्जी, यानी कि बर्न हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका पिस्टन मूव कर रहा है, पिस्टन मूव कर रहा है, पिस्टन की मूवमेंट में क्या है, काइनेटिक एनर्जी, जिसकी वजह से क्या हो रही है, कार ड्राइव्स हो रही है। अलॉन्ग काइनेटिक एनर्जी अ लॉट ऑफ थर्मल एनर्जी इज लॉस्ट टू द सराउंडिंग एयर, और बहुत सारी थर्मल एनर्जी लॉस्ट होती है हमारी सराउंडिंग एयर में। देखें क्या बन रहा है, केमिकल एनर्जी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, और थर्मल एनर्जी किस में हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में, जिसकी वजह से हमारी कार क्या आ रही है, मूवमेंट में आ रही है, ड्राइव्स कर ड्राइव करते हो, क्या फ्यूल नहीं होगा तो आपकी गाड़ी में, ठीक है, आप पेट्रोल नहीं डालोगे, पेट्रोल क्या है, फ्यूल है, आप नहीं डालोगे तो क्या आपकी गाड़ी चलेगी, नो, आपकी गाड़ी में फ्यूल यानी कि केमिकल एनर्जी है, वो बर्न हुई, थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, थर्मल एनर्जी की वजह से पिस्टन की मूवमेंट हुई, पिस्टन की मूवमेंट से कार ड्राइव हुई, पिस्टन की मूवमेंट यानी कि काइनेटिक एनर्जी, मूवमेंट यानी मीन्स काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। नाउ कम टू द माइक्रोफोन, साउंड एनर्जी फ्रॉम अ पर्सन्स वॉइस इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। माइक्रोफोन के जरिए आप जब बोलते हो तो आप तक क्या है, आपकी साउंड एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, साउंड एनर्जी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, यानी कि स्पीकर्स के जरिए आप तक आवाज़ आती है। लाइक अगर मैं माइक में बोलूँगी तो आपकी मतलब स्पीकर में आवाज़ सुनाई देगी, तो मैं साउंड एनर्जी को कन्वर्ट कर रही हूँ, या साउंड एनर्जी मेरे थ्रॉट से मतलब गले से प्रोड्यूस हो रही है, साउंड एनर्जी मेरे मुँह से मतलब मैं बोल रही हूँ, तो इट्स अ साउंड एनर्जी, और आप तक पहुँच रही है किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में। ओके, गैस स्टोव क्या है, कन्वर्ट केमिकल एनर्जी बाय बर्निंग into thermal energy which is used for cooking food। आप क्या करते हो गैस स्टोव पर, आपकी केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है बाय बर्निंग इनटू थर्मल एनर्जी, बर्न होने केमिकल एनर्जी बर्न हो रही है, बर्न होकर क्या प्रोड्यूस कर रही है, थर्मल एनर्जी, और वो थर्मल एनर्जी किस लिए काम आ रही है, आपको फूड कुक करने में काम आ रही है, यानी कि आपकी केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, थर्मल एनर्जी में। नाउ कम टू द टेलीविजन, टेलीविजन क्या है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू साउंड एंड लाइट रेडिएटेड एनर्जी। ओके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप टेलीविज़न ऑन करते हो, आप टेलीविज़न से प्ले करते हो तो उसकी स्क्रीन मतलब ब्राइट होती है, जब स्क्रीन आती है तो आपको साउंड आती है ना, मतलब कोई भी टेलीविज़न या चैनल लगाओगे आप, टेलीविज़न लगाते हो, चैनल लगाते हो तो उसमें मतलब आपका वॉइस आ रही होती है और लाइट आ रही होती है, ठीक है। तो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, साउंड एंड लाइट एनर्जी में, ठीक है। लाइट एनर्जी किस फॉर्म में, रेडिएटेड एनर्जी के फॉर्म में। हीट क्या है, थर्मल एनर्जी इज ऑल्सो प्रोड्यूस, आपका टीवी गर्म होता है, विच इज़ लॉस्ट टू द सराउंडिंग एयर, और वो कहाँ लॉस्ट हो जाती है, आपकी हीट सराउंडिंग एयर में, यानी कि आपकी टेलीविज़न लगाने से, टेलीविज़न को आप क्या दे रहे हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में हो रही है, साउंड एनर्जी, उसके साथ साथ लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ओके, नाउ लुक एट द डायग्राम ऑफ LED, ठीक है। ये आप LED यूज़ कर रहे हो तब भी उसका भी वही फंक्शन है, आप टेलीविज़न यूज़ कर रहे हो वो भी उसका वही फंक्शन है। ओके, डिड यू नो आवर बॉडी मसल्स कन्वर्ट लेस देन 1/5 ऑफ द एनर्जी इन आवर फूड इनटू काइनेटिक एनर्जी। हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी के जो मसल हैं कन्वर्ट लेस देन 1/5 ऑफ द एनर्जी इन आवर फूड, हमारी फूड में जो 1/5 एनर्जी है उसको कन्वर्ट करते हैं, उससे भी कम, ठीक है, इनटू काइनेटिक एनर्जी, उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। द रेस्ट इज लॉस्ट एज थर्मल एनर्जी विच पासिस इनटू द एयर, दिस इज व्हाई वी स्वीट, और बाकी जो है हमारी बॉडी से पास आउट हो जाती है थर्मल एनर्जी, यही वजह है कि हमें क्या है, पसीना आता है, स्वेटिंग होती है, ठीक है। ओके, हेयर इज टेस्ट योर सेल्फ, एक्सप्लेन द टर्म एनर्जी चेन, एनर्जी चेन की टर्म को डिस्क्राइब करें, व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी के कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है। ओके, नंबर 3, डिस्क्राइब व्हाट हैपन टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ हैमर व्हेन यू यूज इट टू हिट द नेल। ओके, हैमर की काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या होता है जब आप हैमर को यूज़ करते हो कील के ऊपर मारने के लिए, हिट करने के लिए। आइडेंटिफाई द एनर्जी कन्वर्जन डैट टेक प्लेस व्हेन अ बॉल इज किक्ड अगेंस्ट अ वॉल। आइडेंटिफाई करें एनर्जी कन्वर्जन को डैट टेक प्लेस जो होती है व्हेन अ बॉल इज किक्ड अगेंस्ट अ वॉल, जब बॉल को वॉल के अगेंस्ट वॉल पर किक किया जाता है, ठीक है। दीज आर द क्वेश्चन फॉर टू थिंक अबाउट क्वेश्चन हैं, ये आपके लिए हैं, आपको खुद सोचना है और इसका आंसर फाइंड आउट करना है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट टूडेज टॉपिक। नाउ कम टू द कॉपी वर्क, मैं आप लोगों को बता देती हूँ कॉपी वर्क कैसे करना है और कॉपी मेंटेन कैसे करनी है। स्टूडेंट होप सो
आप लोगों ने ये वाली कॉपी स्कूल कॉपीज बाय कर ली होंगी। आई हैव द ओल्ड वन कॉपी विच आई एम शोइंग टू यू, जो मैं आपको दिखा रही हूँ। आपको दिखाने के लिए मैं ओल्ड कॉपी यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। और आपको बता रही हूँ, अब आप लोगों ने कॉपी वर्क स्टार्ट करना है तो आप लोगों को पहले कॉपी की मेंटेनिंग बता देती हूँ, हाउ यू हैव टू मेंटेन द कॉपी, ठीक है। आप लोगों ने पहले भी कॉपी मेंटेन की होगी, बट अगेन मैं आप लोगों को बता रही हूँ, इंडेक्स आप कॉपी ओपन करेंगे तो इंडेक्स सबसे पहले आपने यहाँ सीरियल नंबर डालना है 1, ठीक है, और जो चैप्टर है उस चैप्टर का नंबर, चैप्टर नंबर 1, एंड चैप्टर का नेम क्या है, वर्क एंड एनर्जी। ओके ओके, यहाँ मैं आपको आज से वर्क, मैंने आप लोगों को काम जो करवाया है, ठीक है, जिस डेट से करवाऊंगी, लाइक अगर आज से मैं आपको काम दे रही हूँ तो आज की आप डेट डालेंगे 24 जून। ओके, यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे क्वेश्चन आंसर्स। ओके स्टूडेंट्स, अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक जब करवाऊंगी, लाइक ट्रू फॉल्स करवाया, फिलिंग द ब्लैंक्स करवाई, तो आप यहाँ पर सेकंड टॉपिक डालेंगे लाइक ट्रू फॉल्स, तो यहाँ पर उसकी डेट डाल देंगे, ठीक है। ये हो गया आपका इंडेक्स। फिर आप बता रही हूँ मैं आपको, इंडेक्स ऐसे मेंटेन करना है, जिस भी चैप्टर का मेंटेन करोगे ऐसे ही करना है। क्वेश्चन आंसर अगर उसके बाद अगर मैंने ट्रू फॉल्स करवाएं तो ट्रू फॉल्स की हेडिंग, अगर मैंने एमसीक्यूज करवाएं तो आप एमसीक्यूज की हेडिंग डालकर, ये फिलिंग द ब्लैंक्स करवाएं तो फिलिंग द ब्लैंक्स की हेडिंग डालकर यहाँ पर उसी दिन की डेट डालेंगे जिस दिन वो काम हुआ है। नाउ ओपन द कॉपी, आप ओपन करेंगे कॉपी तो आपको लाइनिंग वाला पेज मिलेगा। ओके ओपन करनी है तो अंदर आपको वाइट पेज मिलेगा। इस तरह आपने वाइट पेज पे फर्स्ट टर्म की हेडिंग डालनी है, चाहे तो यूँ डाल लें चाहे तो इस तरह डाल लें, ठीक है, जैसे आपका दिल करता है आप फर्स्ट टर्म की हेडिंग डाल लें। देन आपने इस तरह वाइट, इस तरह लाइनिंग पेज होगा और एक वाइट पेज होगा। देन यहाँ पर आपने आज की डेट डालनी है 24 जून, ओके, और आज का ही डे डालना, वेनेसडे। ओके देन आपने सेपरेटली पेज पर हेडिंग नहीं डालनी है चैप्टर की, आपने यहीं पर टॉप पर डालनी है चैप्टर नंबर 1, जो चैप्टर का नेम है वो लिखना है, वर्क एंड एनर्जी। ओके इसी तरह 2 लाइन्स छोड़ के क्वेश्चन नंबर 1 की हेडिंग डालनी है। ओके क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है, एक लाइन छोड़ेंगे, देन आंसर लिखेंगे, आंसर जहाँ ख़त्म होगा उसके बाद एक 1 लाइन छोड़कर आप क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग डालेंगे, फिर प्रॉपर वर्क करेंगे। ओके ओके मैं अब आप लोगों को बता देती हूँ आपको कौन कौन से क्वेश्चन आपकी कॉपी में करने हैं। ओके नाउ ओपन योर बुक्स, योर बुक्स ओके फ्रॉम हियर ऑन पेज नंबर 3। ओके पेज नंबर 3 देयर इज थिंक अबाउट, यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। ओके नाउ कम ऑन पेज नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम पेज नंबर 5, 4, ओके 4A and B। ओके नाउ कम ऑन पेज नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 3 and 4। ओके एंड फ्रॉम क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 8, यू हैव टू सॉल्व दीज 4 क्वेश्चन इन योर कॉपी। ओके मैंने आंसर आप लोगों को बता दिए, ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपके आंसर्स की पिक्चर्स आप लोग वीडियोस से देख लें या फिर मैं पिक्चर्स साथ में अटैच कर देती हूँ, आपको ये काम जो है अपनी कॉपीज में करना है। ओके स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट टूडेज टॉपिक, आई होप दैट यू विल कम्प्लीट ऑल द टास्क विच आई हैव गिवन टू यू। आपको जो मैं टास्क देती जा रही हूँ आप साथ साथ कम्प्लीट करते जाएंगे, अपना कॉपी वर्क मेंटेन करेंगे, ताकि एट दी
एंड ऑफ द वीक जब आप मेरे पास कॉपीज आएँ तो इट इज़ वेल मेंटेन. ओके, होप सो यू आर नॉट फाइंडिंग एनी प्रॉब्लम. कोई भी आपको प्रॉब्लम फील फेस करनी नहीं पड़ रही होगी. इफ स्टिल यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कमेंट. ओके, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन अल्लाह हाफिज़. टेक केयर योर सेल्फ. फी अमान अल्लाह.